द फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट एसोसिएशन और महाराष्ट्र राज्य माथारी ट्रांसपोर्ट और जनरल कामगार यूनियन ने संयुक्त रूप से मंगलवार को भव्य मेलावे का एपीएमसी के कांदा बटाटा मार्केट में आयोजन किया, जहां सभी बाजार समिति अध्यक्ष, व्यापारी, बड़ी संख्या में माथारी कामगार आदि शामिल रहे। विधायक शशिकांत शिंदे और विधायक नरेंद्र पाटिल की प्रमुख उपस्थिति रही। ये मेलावा राज्य सरकार के लिए गए प्रत्यक्ष विपणन के निर्णय के विरोध दर्शाने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र पाटिल ने माथाड़ियों को आह्वान कर सरकार के खिलाफ यलगार की। सरकार के निर्णय पर शांत नहीं बैठेंगे, ये पक्का इरादा स्पष्ट किया। और अगर सरकार को नियंत्रण रखना ही है तो रिटेल मार्केट पर सरकार क्यों शिकंजा नहीं कसती, ये सवाल किया। साथ ही इन्होंने इस मौके पर ये भी बताया कि व्यापारी संगठन द्वारा दर्शाए जा रहे विरोध को देखते हुए पणन मंत्री और सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को बैठक कर चर्चा करने का निमंत्रण दिया। साथ ही इन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि व्यापारी संगठन द्वारा दर्शाए जा रहे विरोध को देखते हुए सरकार के पणन मंत्री और सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को बैठक में चर्चा करने का निमंत्रण दिया है। फार महत्वाचं आहे की बघा, आपण होलसेल मार्केट वरती बाजार भाव कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतात, हे राज्य सरकारचं दरवेळेचं धोरण असतंय। परंतु जो रिटेल मार्केट आहे, जो काही भाजीपाला रस्त्यावर विकला जातो, जो काही किराणादाराचा किराणा मालाचं जे दुकान आहे, त्याच्यावरती राज्य सरकारचं नियंत्रण नाही आहे, कारण त्याच्यावरती कुणाचंच नियंत्रण राहिलेलं नाही आहे। म्हणून जे काही महागाई या ठिकाणी पाहतो, ती महागाई होलसेल मार्केटच्या माध्यमातून नसते, ती रिटेल मार्केटच्या माध्यमातून असते। जर तुम्ही होलसेल मार्केट जर उडवलं तर तुमचं कुणावरती पण नियंत्रण राहणार नाही। आणि म्हणून भाजी असो, कांदा बटाटा, फ्रूट मार्केट, अन्नधान्य मार्केट, हे होलसेल मार्केट हे राहिलं पाहिजे। होलसेल मार्केटच्या व्यापारावरती तुमच्या पणनचं सरकारचं नियंत्रण आहे। बाजार भाव जरी वाढले तरी तुम्हाला काही प्रमाणात कंट्रोल करता येतील। तो वही विधायक शशिकांत शिंदे ने इस मुद्दे पे सरकार से चर्चा की जाने की बात कही और अगर सकारात्मक चर्चा नहीं हुई तो कड़ा रवैया अपनाए जाने का स्पष्ट किया। नाही, मागच्या सरकारमध्ये सुद्धा आम्ही इम्प्लिमेंट करून दिलं नव्हतं। आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत मला निर्णय झाला नव्हता, पण आम्ही इम्प्लिमेंट करून दिलं नव्हतं। आता जवळजवळ त्या अंतिम निर्णयावर येते अशा प्रकारची कुणकुण लागल्यामुळे आम्ही जागृती केलेली आहे आणि ह्यामध्ये ठोस निर्णय लागेल अशी आमची अपेक्षा आहे, कारण त्यांनी समजून घ्यावं सहकार मंत्र्यांनी अशी अपेक्षा आहे। त्यांनी त्या संदर्भात लगेच बैठकसुद्धा बोलवली आहे, पण जर का लागलं नाही तर बाकी आमची भूमिका, ही शेवटची लढाई जोरदार होईल आणि तीव्र होईल। मंगलवार को इस भव्य मेलावे के लिए एपीएमसी बंद किया गया था। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितिन खरात के साथ स्वप्नाली देसाई की रिपोर्ट।